कैलान पंचायत में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के निर्देश अनुसार भवनाथपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी व एमओ के मौजूदगी में राशन कार्ड में कार्ड धारकों का आधार सीडिंग किया गया। कोविड-19 को देखते हुए लाभुकों को मास्क के साथ सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखते हुए शांतिपूर्वक काम किया गया। एमओ ने बताया कि आज दिन शनिवार सुबह से लेकर शाम तक आधार सीडिंग का काम किया जाना है, जो कैलान से सभी डीलरों द्वारा लाभुकों को जानकारी दिया गया था, जो कि करीब 300 लाभुक पहुंचकर अपना अपना राशन कार्ड में आधार ऐड करवाया। अगर राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं हुआ तो लाभुकों को राशन या अन्य कार्य में परेशानी होने की संभावना बनी रहेगी और राशन कार्ड से नाम भी हट सकता है। अतः सभी डीलरों के निर्देश दिया गया है कि अगर वैसे कार्ड धारकों हो उनका आधार सीडिंग किया जाए। सभी कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि आप स्वयं अपने डीलर के पास जाएं और आधार सीडिंग करवाने की कृपा करें, अन्यथा इसका जवाबदेही आप होंगे। यहां उपस्थित एमओ ऑपरेटर आलोक गुप्ता, डीलर चंद्रदेव प्रसाद के साथ अन्य लाभुक उपस्थित थे। ऐसा है कि जो भी राशन कार्ड धारी है उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका आधार सीडिंग किया जाना है झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा और जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा निर्देश भी प्राप्त है। कई एक बार इस संबंध में हम लोगों ने अपने अधीनस्थ डीलरों को इसकी सूचना भी दी है, लेकिन कई एक लोगों का भी आधार सीडिंग नहीं हुआ है। इसके चलते राशन वितरण में समस्या आ रही है और आज हम लोग कैलान पंचायत के आदिम जनजाति टोला में कैंप कर रहे हैं, जिसके तहत जो ऐसे व्यक्ति जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है और साथ ही साथ आधार सीडिंग का कार्य नहीं हुआ है, उसको कैंप मोड में करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि इसी तरह के कैंप मोड में एक हफ्ता के अंदर सारे डीलरों के जितने भी राशन कार्ड वंचित हैं जिनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है या आधार सीडिंग का कार्य लंबित है, वैसे लोगों का हम लोग यहाँ पर जोड़ सकें और लोगों को आसानी से राशन की आपूर्ति हो सके, इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं। अच्छा, एक हफ्ता के अंदर मतलब डीलरों का सारा सीडिंग कर देना है आधार सीडिंग से? तो समय पार हो चुका है, हम लोग पीछे चल रहे हैं, इसको 31 मार्च तक ही कर लेना था लेकिन अब विलम्ब हो चुका है। सभी लोगों को अगर आधार सीडिंग नहीं होती है तो आने वाले समय में हो सकता है कि राशन वितरण में कई तरह की समस्या हो और लाभुक इसके भुक्तभोगी होंगे, तो इसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं।